फ्रेंड्स, आपका अपना परिवार मस्त क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 बायोलॉजी का परिवहन चैप्टर बता रहा हूँ। इस मैंने वीडियो में एनसीईआरटी और भारतीय भवन का इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया हूँ। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, जो परीक्षाओं में बार बार सवाल पूछता है उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा परीक्षा में बीएससीबी बोर्ड में पूछता है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि मनुष्य के हृदय की कार्य विधि को समझाए, यानी कि मनुष्य में जो हृदय होता है वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे, हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। हृदय का पहला काम है कि शरीर में जितना भी अंग है उन सब अंगों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजता है, यानी कि शुद्ध खून का जो शुद्धिकरण है वो फेफड़े में होता है और फेफड़े में इस अशुद्ध रक्त को हृदय भेजता है, तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। जब खून जो है, रक्त जो है शुद्ध हो जाता है, तो हृदय उसे शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, यानी कि फिर से पहुंचा देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता रहता है। तो हृदय का मुख्य काम है कि अशुद्ध रक्त को विभिन्न भागों से अवशोषित कर उसे शुद्ध करना और शुद्ध करके पुनः उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, यह हृदय का पहला काम है। यह क्रिया जो होती है इसकी पेशीय भित्ति के संकुचन द्वारा संपादित होती है, यानी कि हृदय की जो पेशीय भित्ति, भित्ति का मतलब दीवार होता है, उसके सिकुड़ने से होती है। फिर इसके बाद दोस्तों आगे लिखेंगे कि हृदय के वेश में बारी बारी से फैलते तथा सिकुड़ते हैं, जिन्हें क्रमशः सिस्टोल तथा डायस्टोल कहते हैं। यानी कि अगर जब हृदय फैलता है तो इस क्रिया को सिस्टोल कहते हैं, और जब हृदय सिकुड़ता है तो उस क्रिया को डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है, यानी जब हृदय एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है तो इनको सम्मिलित रूप से धड़कन कहा जाता है। उपरोक्त कार्य मनुष्य के हृदय में हृदय के द्वारा हमेशा होती रहती है। ये जो उपयुक्त कार्य का वर्णन किया गया है दोस्तों, ये पूरी जिंदगी भर ये कार्य हृदय के द्वारा होता रहता है। अब देखिए दोस्तों, आगे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। रक्त, जिसको इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, एक तरल संयोजी ऊतक है। परीक्षा में पूछता है कि रक्त क्या है, तो रक्त को हमको लिखना होता है कि तरल संयोजी ऊतक होता है। यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है इसका प्रकार लाल रक्त कोशिकाएँ, जिसको इंग्लिश में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और शॉर्ट फॉर्म में RBC कहते हैं। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको इंग्लिश में व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और शॉर्ट फॉर्म में WBC कहते हैं। और तीसरा जो है रक्त का प्रकार, उसे रक्त प्रतिकारु कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो दोस्तों रक्त का जो pH मान है वो 7.4 होता है, इसे याद रखिएगा। रक्त का pH मान 7.4 होता है। प्लाज्मा रक्त में ही पाया जाता है कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। पूछ देता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो पीला रंग का। वो कैसा द्रव है, तो चिपचिपा है, जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो हमें लिखना होगा कि प्लाज्मा जो होता है पूरे रक्त का आयतन का 55% होता है। अब देखिए क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC और लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। इन दोनों में यानी कि अंतर लिखना है, WBC और RBC में हमें अंतर बताना है। तो देखो दोस्तों, ऐसे लिखेंगे कि निम्नलिखित प्रकार से RBC और WBC भिन्न है। एक तरफ लाल रक्त कोशिकाएं RBC को लिख लेंगे और एक तरफ श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC लिख लेंगे। आइए अब तुलना करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट होगा कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। RBC जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी जो हम सांस द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वह शरीर के विभिन्न भागों में RBC पहुंचाता है, लेकिन उसके जस्ट विपरीत WBC क्या है, यह ऑक्सीजन का वाहक नहीं होता है। WBC ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में नहीं पहुँचाता है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, लेकिन WBC का रंग श्वेत होता है, श्वेत यानी कि सफ़ेद होता है। इसकी संख्या जो होती है RBC की WBC से अधिक होती है, और इसकी जो संख्या होती है श्वेत की RBC से कम होती है।
और लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं इसका जीवन काल जो होता है 4 से 5 दिन होता है, यानी 4 से 5 दिन के बाद आरबीसी खत्म होकर फिर नया आरबीसी बन जाता है, फिर लाल रक्त कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है। परीक्षा में पूछता है तो ये लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए, रक्त परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है। पूरे शरीर में रक्त को एक भाग से दूसरे भाग, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने के लिए 3 प्रकार की वाहिनियाँ काम करती है, जो धमनी, रक्त कोशिकाएं तथा सिराएं कहलाती है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछता है कि रक्त परिसंचरण के लिए शरीर में कितने प्रकार की वाहिनियाँ पाई जाती है, तो आपको जवाब देना होगा कि 3 प्रकार की वाहिनियाँ पाई जाती है, जिसमें का नाम धमनियाँ, रक्त कोशिकाएं तथा सिराएं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी आपको वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।